हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रमन रेती। तो अभी हम लोग यहाँ रमन रेती में आए हुए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यमुना स्नान में, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ये वीडियो। यहाँ पे है हिरण, हिरण है, बारह सिंगा है, शुतुरमुर्ग है, बतख है, वो सारा सीन आपको बाद में दिखाएंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं स्नान करने के लिए, और यहाँ पे सभी लोग हैं, देख सकते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं। अंकल, कहाँ पे चल रहे हैं हम लोग? रमन रेती स्नान करने के लिए सागर में। रमन रेती में आए हैं स्नान करने के लिए, यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे पीछे से जाना है, और ये जो आपको पार्क पीछे दिख रहा है, इसमें बहुत से बारह सिंगा, हिरण, बतख, शुतुरमुर्ग, गिर्ध, इस तरह के बहुत ही पक्षी, सभी जानवर हैं। तो अभी हम लोग लौट के यहाँ पे दिखाएंगे, अभी चल रहे हैं पहले स्नान करने। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्वागतम है रमन रेती। सो गाइस, अभी हम लोग चल रहे हैं स्नान करने के लिए, और पीछे अभी अंधेरा बहुत था इसलिए मैंने नहीं दिखाया आपको। और अभी स्नान करने के बाद दिखाएंगे यहाँ का क्या सीन है गाइज। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे आश्रम बने हुए हैं, बंगला बने हुए हैं, मूर्तियाँ हैं, गाय हैं, और बहुत ही बड़ा है, ऐसा बोलते हैं ना, 84 कोसों में ब्रज मंडल फैला हुआ है ऐसे ही। अभी यहाँ पे देखो कितने प्रकार के झूले लगे हुए हैं, बट अभी अंधेरा है, तो अंधेरा है तो कम देख सकते हैं। और उसके बाद जब हम लोग स्नान करने के बाद वापस आएंगे तब आपको दिखाएंगे, बट अभी कुछ तो दिखा सकते हैं ना। देखो झूला लगा हुआ है पीछे, हम बैठते हैं, आप दिखाना। और देखो झूला, झूला लगा हुआ है, और यहाँ पे बहुत ही बड़ा आश्रम है ये। सो गाय देख सकते हैं, और यहाँ पे पीछे गायों के लिए गौशाला भी है, और वहाँ पे पीछे जो आपको दिखा दे वहाँ बहुत सारे हिरण हैं, शुतुरमुर्ग हैं, गिर्ध हैं, बतख हैं। सो गाइस, हमने सोचा था यमुना जी में स्नान करेंगे, बट यहाँ तो एक सरोवर है, यहाँ पे सभी लोग स्नान करते हैं, ये है सरोवर, यहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं यहाँ पूरे गार्डन में। और क्या सीन है देखो, गर्म पानी भाई। देख सकते हैं सभी लोग स्नान करने जा रहे हैं, और हम भी जाते हैं जल्दी से, कपड़े उतारते हैं और चल रहे हैं। तो गाइस, चल रहे हैं हम भी, और यहाँ पे सभी लोग पीछे हैं, और ये पीछे गार्डन है, बहुत ही मस्त है। ये सारा सीन आपको बाद में दिखाऊंगा यार, सच में वीडियो पूरा देखना, बहुत ही मस्त है यहाँ का सीन। और आपको बता दें, यहाँ रहने के लिए रात अगर ठहरनी है तो यहाँ पर इससे अच्छा मैंने कहीं नहीं देखा है। रात को रुकने के लिए आपको, बारिश भी हो या कैसा भी मौसम हो, आपको रुकने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और मस्त है, आराम से नहाओ और घूमो। सो गाइज, हम लोग भी स्नान करते हैं और मिलते हैं आपको बाद में। दोस्तों, इंगल के उस तरफ जाना मना है, बट ये लोग नहीं मानते हैं, आप ऐसा कुछ भी करने का प्रयास मत करिएगा। हाँ हाँ, सब कुछ सब कुछ दिखाते हैं आपको पानी कितना है। देखो
नहीं चला गया बउआ, बउआ चला गया। अरे यहाँ अकेले इतनी जगह है, पानी बहुत ज्यादा, बहुत गहरा है पानी भाई। दिखाओ, हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ईमानदारी से ये देते हैं और हमारा देते तो गाइस अभी हम लोगों ने स्नान कर लिया है और कपड़े वपड़े सब देखो मास्क से पहन लिया क्योंकि आज है लास्ट दिन और ये वो सरोवर है जहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया इतना बड़ा। और आपको बता दें जाली के पास काफी गहरा है, मतलब एक फुट ऊपर, मेरे ऊपर से एक फुट ऊपर बस थोड़ा ही। तो बहुत ही मजा आया स्नान करने में। तो अभी चल रहे हैं हम लोग यहाँ से, आस पास का आपको दिखाते हैं, गौशाला है, झूला है और गाय हिरण है जो भी है सब गिरद है, सब चीज आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से घूमते घूमते चारों तरफ घूमते निकलेंगे वहाँ पे। तो अभी चल रहे हैं, आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पे पास में है गौशाला। हाय गाइस, देख लो यहाँ का नजारा है बहुत अच्छा, यहाँ गौशाला भी बना हुआ है, इस साइड सरोवर भी है, सब लोग स्नान भी कर रहे हैं, कुसुम सरोवर। हाय गाइस, सो गाइस मैं आ चुका हूँ गौशाला के पास और इस साइड में हष्ट पुष्ट जानवर और एक वहाँ पीछे था वहाँ पे कमजोर जानवर रहते हैं, दो जगह पे रखा गया है दो वैरायटी। तो अभी मैं दिखाता हूँ, देखो ये गाय है, सभी गाय कृष्ण की गाय है, कृष्ण कन्हैया की गाय। तो भाई ये हमारे पीछे शिव जी का एक शिवलिंग, यहाँ पे नहाने के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं, उसके बाद अभी जाएंगे उस साइड में। तो ये देखो यहाँ पे शिवलिंग है और इस साइड में नंदी जी विराजमान है। सो गाइज देख सकते हैं ये लोग झूला झूल रहे हैं, हाय हाय गाइज, आराम से बैग उठाओ चलो, ये लोग आइबे करी और झूला देखा ना ही गिर जा पीछे पकड़े नहीं। So guys, चलते हैं आगे और यहाँ पे बहुत से हैं, मतलब ये झूलने खेलने वाले झूले बूढ़ा झूल रहे हैं। So guys, अभी हम लोगों ने यहाँ का सीन पूरा देख लिया है और आपको भी दिखा दिया, आप चल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे हैं कुटिया, जहाँ पे हैं पेड़ पौधे, जहाँ पे हिरण है और गिरद है और यहाँ पे मतलब कुटिया जो बनी है वो अपने यहाँ से बहुत ही खास है। अभी दिखाते हैं किस तरह से बने, बंगला टाइप का यहाँ कुटिया। तो गाइस यहाँ पे चारों तरफ लगी हुई है मूर्तियाँ छोटी छोटी, चलो यार नहीं, चारों तरफ गार्डन, चारों तरफ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं। गोकुल मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको रात रुकनी है तो रमन रेती से अच्छा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पीछे हॉल भी बने हुए हैं और ये कुटी भी बनी हुई है चारों तरफ, ये देखो, और आप आराम से सो सकते हैं, बारिश भी हो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है। यहाँ पे जो ये सकरा मार्ग बना हुआ है यहाँ बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे चारों तरफ लगे हुए पेड़,
और सुबह का नज़ारा ही कुछ अलग है। बस स्नान करके आओ और घूमते रहो घूमते रहो, जब तक आपका मन न भर जाए। सो गाइस, मैंने आपसे कहा था मैं आपको दिखाता हूँ कुटिया किस तरह की होती है। देखो इतना अच्छे से बनी हुई है, ये देखो। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, इस तरह से बनी हुई है चारों तरफ। तो कुटिया का बनावट का क्या डिजाइनिंग है, सच बताऊं आपको तो ये बनी हुई है मसाले से प्लास्टर से, बट इनके ऊपर गोबर का लेप किया गया है, गोबर पोता गया है। ऐसा लग रहा है कच्चे मकान है बट ये प्लास्टरदार है। और ये है जो यहाँ पे ऋषि लोग रहते हैं, उन्हीं का आश्रम है। अभी लॉक लगा हुआ है, वो लोग पूजा पाठ अपना करते हैं, उसके बाद यहीं पे रहते हैं। और बहुत ही मस्त, अभी दिखाता हूँ इधर। तो गाइस, जो आपको ये पीछे हमारे दिख रही हैं ये लकड़ी की जैसी, ये बनाई है जो नरकुल की लकड़ी होती है उससे कुटी बनाई हुई, बहुत ही अमेजिंग, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ देखना है, अभी बहुत कुछ देखना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको सभी चीज़ दिखाना है मुझे, बट वीडियो लंबा हो सकता है, पूरा जरूर देखना तभी अच्छा लगेगा। तो गाइस, अभी आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी चीज, जो कि यार स्नान करने से पहले आपको करनी चाहिए, बट हम लोगों ने नहीं किया, मिस कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप आते हैं तो ये चीज जरूर करिएगा, बहुत ही मस्त और बहुत ही मस्ती आती है, बहुत ही मजा आता है। तो अभी हम चल रहे हैं, दिखाते हैं क्या चीज मैं बताने वाला हूँ। तो भाई ये सीन है जो मैं आपको दिखाने को बोल रहा था, स्नान करने से पहले कुश्ती। सभी लोग यहाँ पे ये क्या है, रेत है, बालू है, तो यहाँ पे सभी लोग नहाने से पहले कुश्ती होता है, स्नान करने से पहले यहाँ पे कुश्ती होता है। सभी लोग बालू है, सिर्फ बालू ऐसे लौटते हैं। इसलिए इसका नाम रेती रमण कहा जाता है। यहाँ पे रेत है और स्नान करने से पहले कुश्ती होती है, इसीलिए इसका नाम है रेती रमण। तो ये है पूरा सीन। सो गाइस, देखा आपने कितना मस्ती होता है यहाँ पे, स्नान करने से पहले यहाँ पे सारी मस्ती कर लो, उसके बाद जाओ स्नान करो। देखो पूरा बालू ही है यहाँ पे, झूम कर चले ठीक है। सो गाइस, मैं यही सजेशन करूंगा कि अगर आप रेती रमण आते हैं तो यहाँ पे रेती में खेलना मत भूलिएगा स्नान करने से पहले। तो भाई चल रहे हैं आपको यहाँ से, मैं और कुछ दिखाता हूँ स्पेशल, जो हो सकेगा वही दिखाएंगे। बाहर चलते हैं, बाहर आपको दिखाएंगे गार्डन में इतने हिरण हैं, इतने गिर्द हैं, इतने शुतुरमुर्ग हैं, पक्षी हैं, बहुत से हैं। तो चल रहे हैं अभी हम लोग बाहर।
सो गाइस आ चुके हैं वहीं पे जहां से हमने वीडियो की शुरुआत की थी, बट वहां अंधेरा था। अब देखो अब इतना उजाला हो गया, अब सब आपको दिखाएंगे। यहां पे हैं हिरण। तो यहां से जब हम गए थे तब था अंधेरा, बट आपको नहीं दिखा पाए थे। तो अभी स्नान करने के बाद बोला था आएंगे, तो आ गए। अभी दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। अंदर घुसे ना कोई दोनों लड़के बना दो। तो गाइस ये थे हिरण, वही हिरण जिसको प्रभु श्री राम ने सीता को जब खोज में गए थे ना, वही हिरण को बाण मारा था, वही है मामा मारीच, याद है। तो अभी चल रहे हैं हिरण के बाद हम लोग दूसरा कुछ दिखाएंगे आपको, गिर्द। गिर्द हैं, बतख हैं, अभी बहुत सी चीजें यहाँ पे बाकी हैं, कबूतर भी है, बतख है। सो गाइस ये था पूरा रेती रमण का सीन। हम लोग आए थे 5 बजे, पहले आए तो यहाँ अंधेरा था, तो मैं गया स्नान करने, और उसके बाद वहाँ का जो भी सीन था वो सारा आपको दिखा दिया। यहाँ पे जो पक्षी थे, और ये हमारे पीछे बस स्टैंड, अगर आप गाड़ी वगैरह लाते हैं बड़ी गाड़ी तो यहाँ खड़े करने की व्यवस्था है रेती रमण में। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो एक लाइक जरूर से कर देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। सो गाइस रेती रमण का सीन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ कभी आना तो रेती रमण जरूर घूमना यार, बहुत ही मस्त है। तो अभी हम लोग चलेंगे दूसरे स्थान पे, वो वीडियो आपको इसके बाद आएगा। सो गाइस कैसा लगा घूम के, कैसा लगा घूम के? अच्छा लगा। फाइव स्टार में कितने स्टार देना चाहोगे? फाइव में फाइव। तेरे बिना मैं